नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीएमएस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मान प्रकरण के बारे में। ये आपका भाषाचर कल्पना का थर्ड चैप्टर है और इसमें आपको मान की टेबल लर्न करनी होती है, जिसको हम ट्रिक के साथ लर्न करने की कोशिश। आपकी मान प्रकरण की जो ये टेबल है, जो कालिद मान है, आचार्य चरक द्वारा मान्य है, ये टेबल, हम इस टेबल को एक ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक कोल कितने के बराबर होता है। ठीक है, इसमें आपको उसकी मात्रा भी पता चल जाएगी कि भाई हमें कितना लेना है। अगर किसी ने बोला है दो कर्ष, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना होता है, 24 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक के साथ बहुत ईजीली लर्न करेंगे, देखिए कैसे। और यही टेबल आज के टाइम में मान्य भी है और यही मान लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि भाई मान कितना लिया जाता है, 100 पल में कितने होते हैं, तो एक तुला, तो यही मान लिया जाता है आज भी। तो मान प्रकरण चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप आगे औषध कल्पना पढ़ेंगे जब, तो उसमें भी मान का काफ़ी दिया गया है, या औषधि निर्माण में भी। ठीक है, तो इसको लर्न करने की ट्रिक है, सिक्स्थ बैच की DM आरती ने डायरेक्टर यादव को 4 एप्लीकेशन लिखकर, और उसमें क्या लिखा, सिर्फ एप्लीकेशन में सिर्फ कॉल करो सर पहले लिखकर पोस्ट किया, और फिर 4 बजे MP आकर DSP खारीवा से 32 मिनट मिले। आपको सिर्फ इतना सा लर्न करना है, ये आपकी ट्रिक है। अब इस ट्रिक को हम यूज़ करते हैं कि देखो कैसे इस टेबल में यूज़ होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो दवंशी होती है ना, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए आचार्य चरक ने मान की। ठीक है, तो ये कितनी होती है, 0.054 आपको ये लर्न करना है। ठीक है, तो सिक्स्थ बैच की डीएम, डीएम से, डी से ध्वंशी एंड एम से मरीची, और सिक्स से आगे इनके सिक्स है। ठीक है, और आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो इसका दशमिक मान दे रखा है वो कैसे निकलेगा, कि जैसे कि यहाँ पे 6 ध्वंशी की बात कर रखी है, एक ध्वंशी कितनी होती है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है, सिर्फ ये वैल्यू लर्न करनी है आपको, 0.054। ठीक है, अब 0.054 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना आएगा, 0.33 समथिंग, तो ये इसका मान निकल गया। ठीक है, तो आपको ये लर्न हो गया कि भाई 0.33 समथिंग है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, जब मरीची का मान निकालेंगे तो मरीची को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको इतना पता है कि 0.33 इंटू में 6। ठीक है, फिर आपके आपका जो मान आ गया, ये आ गया, देखो ये आ गया 1.95 मिलीग्राम, ये आपका मान आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसी को एक रक्त शर्पस आ गया, इसमें शर्षप को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक टंडुल का मान ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये दशमिक मान आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये टेबल आप लिखोगे और यहाँ से आपका मान ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात आई कि भाई ये फिर आगे जो मान शुरू हो गया, अब तक तो मिलीग्राम में था, देन उसके बाद ग्राम में शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने आपको ईजिली ट्रिक बता दिया, आपको सिर्फ ये देखना कितना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना। दवंशी की यूनिट आपको पता है 0.054 मिलीग्राम है एक दवंशी, तो 6 कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जो दवंशी निकलेगी उसके इक्वल क्या है, मरीची। ठीक है, तो 6 दवंशी के इक्वल एक मरीची है, तो 6 मरीची को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करना आपको। ठीक है, तो सिक्स्थ बैच की डीएम आरती ने 6 से दवंशी और मरीची के आगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, आरती, RNT, आर से आपको क्या याद करना है, रक्त शर्षप। ठीक है, तो आर से आपको क्या याद आ रहा है, RT, मतलब 8, R8, मतलब ऐसे, तो ये R में 8। ठीक है, तो 8 रक्त शर्षप। T से आपको क्या याद रखना है, टंडुल। ठीक है, अब इसके बाद आपको ना क्या करना है, RT से टंडुल हो गया, फिर अगर बात करें हम ने डायरेक्टर यादव को, डायरेक्टर यादव, तो डायरेक्टर यादव मतलब धान्यमाश। ठीक है, डायरेक्टर से आपको लर्न हो जाएगा धान्यमाश, बाद में यादव से आपको लर्न करना है यादव को, डायरेक्टर यादव को 4 एप्लीकेशन। तो 4 कहाँ से शुरू हो रहा है,
यहाँ से शुरू हो रहा है यादव से। तो यादव का जो सेकंड पॉइंट है, यादव से आपको दो बार लर्न करना है डायरेक्टर यादव। यादव दो बार आएगा यव, एक बार दो में और एक बार चार में, ठीक है। ये हो गई आपकी टेबल चार यव, ठीक है। चार एप्लीकेशन लिखकर, मतलब फोर अंडी का लिखकर सिर्फ, ठीक है। या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी, सिक्स्थ बैच की डीएम आरती ने डायरेक्टर यादव को एप्लीकेशन में सिर्फ कॉल करो सर लिखकर, ठीक है, पोस्ट किया। और फिर 2 बजे एमपी आकर 32 मिनट डीएसपी खारीवा से मिली, या डीएसपी खारीवा से 32 मिनट मिली, जो आपकी ये ट्रिक है। अब यहाँ तक आपको लर्न हो गया फोर एंडी का तक, फोर एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उसके बाद फोर से कम क्या होता है, थ्री, फिर टू टू टू, ठीक है। तो उसने क्या किया है, थ्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद मे, मे से आपको याद आ जाएगा माशक, सिर्फ, सिर्फ से आपको याद आ जाएगा शन, कॉल करो सर, कॉल से आपको लर्न हो जाएगा कॉल, करो से कर्ष, सर से शुक्ति, ठीक है। तो इतना आपको इजीली लर्न हो गया। अब देखो फोर से क्या चल रहा है, आपको फोर एप्लीकेशन लर्न करने, फिर थ्री, एक बार थ्री आएगा, फिर टू 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 चलता रहेगा सब में, ठीक है। फिर सब में टू 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 चल रहा है, ठीक है। कॉल करो सर लिखकर पोस्ट किया, ठीक है, पोस्ट किया। यहाँ से आपको क्या लर्न हो गया, इसमें क्या है, पोस्ट किया, ठीक है, पल और परिस्थिति, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कर, कर से कूड़ा, ठीक है। अभी तक दो 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 चल रहा है, फिर 4 बजे एमपी आकर, मतलब पोस्ट कर 4 बजे, 4 बजे एमपी, तो जो पी फोर का यूज़ करना है वो पी के साथ करना है, मनीका में दो ही रहेगा, एमपी, एम से मनीका, पी से प्रस्थ, ठीक है। ये आपको लर्न हो गया 4 बजे एमपी आकर। फिर जब चेंज होएगा ना तो वो पी पे होगा प्रस्थ, वरना दो 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 चल रहा था, फोर एप्लीकेशन के बाद थ्री, फिर टेन, टू 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 टू, ठीक है, ये आपको हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, आकर 4 बजे एमपी आकर, ठीक है, पी और आकर में यूज़ हो रहा है फोर, चार आडक। आपको हम इसके साथ साथ ये भी लर्न करना बता रहे हैं कि आपको इसके आगे की वैल्यू कितनी लर्न करनी है, ताकि आप एग्जैक्टली ये टेबल लिख दें, ये आपको लर्न हो जाए, ठीक है। इतना हो गया आपकी ट्रिक में, कहाँ तक था देखिए दोबारा से ट्रिक देखते हैं हम। ये हो गया सिक्स्थ बैच की डीएम आरती, धवंशी, मरीची, रक्षर्पश, टंडुल, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी धवंशी, ये यहाँ तक हो गया था धवंशी तक, ये वाली लाइन, धवंशी वाली लाइन आपको क्लियर हो गई। फिर डायरेक्टर यादव यव था, फिर फोर एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपको फोर लर्न हो गया था, उसमें आ रहा था सिर्फ कॉल करो सर, कॉल कर्ष, ठीक है, सर पहले, क्षण, ठीक है। तो ये लिखकर 4 बजे एमपी आकर, अब आपका 4 बजे एमपी आकर, आकर तक हो गया था, डीएसपी खारीवा से 32 मिनट मिले, देखिए आकर, आकर से आडक, ठीक है, 4 बजे एमपी आकर, तो चार का यूज़ करना है पी में और आडक में, आकर, ठीक है। फिर डीएसपी, डीएसपी खारीवा, ठीक है, आपको कैसे लर्न होगा, डी से ड्रॉ, ठीक है, एस से शुल्प, ठीक है, और खारीवा मतलब इसमें क्या है, 32 मिनट मिले, 32 पल मिली या मिनट मिली, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी से डी एस पी, डी एस एंड पी पल, ठीक है। तो ये तो आपको इजीली लर्न हो गया। अब आप बोलोगे कि ये भाई खारीवा कैसे लर्न होगा, तो शुल्प के आगे आएगा खारीवा से मिली, ठीक है, और कितने मिनट मिली, 32 मिनट, ठीक है, तो तुला मतलब टाइम, ठीक है। तो ये आपकी इजीली लर्न, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। बस थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपको इसको ना लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, पर अगर आप इजीली लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये टेबल लर्न हो जाएगी, और ये टेबल बहुत हेल्पफुल है, आपको आगे भी काम आएगी। तो अभी अच्छा है कि आप अभी लर्न कर लें, ठीक है। तो अभी आप साथ के साथ अपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी, एंड जो आपका पीजी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इसको इजी लर्न कर सकते हैं ये टेबल,
कि जो ट्रिक है वो बहुत ईजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ट्रिक की जो PDF है वो आपको हमारे BMS ट्यूटोरियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप सर्च करके वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।